फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय संस्कृति में वचन देना बहुत ही बड़ी बात है और इससे बड़ी बात यह है कि उस वचन को निभाना। ऐसा ही काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। उन्होंने वचन पत्र में जो भी कार्य करने का वादा किया था उसे एक एक कर पूरा किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। यह बात प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने शुक्रवार को झिरनिया तहसील में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत आयोजित ऋण मुक्ति कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक घंटे के भीतर किसानों के ऋण मुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। कांग्रेस की पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए तक के ऋणी किसानों का फसल ऋण माफ किया है। पहले चरण में माफ करने में जो किसान छूट गए थे उनका दूसरे चरण में ऋण माफ किया गया है। जिले में करीब 680 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया गया है। यह बात प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा आयुष और संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने शुक्रवार को झिरनिया तहसील में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत आयोजित ऋण माफी कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल चंद्र दाट, पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में जिले में अभी तक 39,325 किसानों का 291 करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ किया गया है और माफी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कार्यक्रम के दौरान मंच से संस्कृति मंत्री और कृषि मंत्री ने सांकेतिक तौर पर करीब 25 किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए, जबकि अन्य किसानों के लिए संस्थावार और बैंकवार स्टॉल बनाए गए थे। इन स्टॉलों में किसानों ने अपने अपने ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। भिकनगांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। मात्र 1 साल हुआ और इस 1 साल में काम करने के लिहाज से हमारी सरकार को मात्र 9.5 महीने मिले। आगे 2.5 महीने लोकसभा के चुनाव और उसकी आचार संहिता में चले गए आदमी, लेकिन जो भी समय हमें मिला, जो भी वक्त हमारी सरकार को मिला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, इस अल्प समय में भी हमने वो सारी योजनाएं, वो सारे कार्यक्रम लागू करने का काम किया जिसकी कल्पना भी कभी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने नहीं किया हो। आदरणीय साथियों, ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारी सरकार ने लागू करने का। सबसे ज्यादा आप प्रणाम के पात्र हैं, सबसे ज्यादा आप धन्यवाद के पात्र हैं कि सरकार बनाने में सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे जिले की रही कि 100% कांग्रेस के विधायक जीत गया है। क्योंकि 15 साल तक आपने भुगता है, 15 साल तक चाहे किसान हो, चाहे गरीब आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, छोटा किसान हो, सबने इस प्रदेश में भुगता है। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी मध्य प्रदेश में खाली पड़ी जमीनों को अब हॉर्टिकल्चर हब में विकसित किया जाएगा, किस प्रकार की योजना रही? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है, उनका ये सपना है कि हमारे जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को एक हॉर्टिकल्चर के रूप में जो है, एक हॉर्टिकल्चर हब के रूप में इसको विकसित किया जाए और उसी लक्ष्य को लेकर के हमारा विभाग जो है काम कर रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी तमाम जो है ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहाँ पर हम लोग उद्यानिकी की फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं, उद्यानिकी की खेती जो है हम लोग कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी योजना जो है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्लस्टर बेस अप्रोच के तहत जो है पूरे मध्य प्रदेश में क्लस्टर विकसित करेंगे और वहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं, शिक्षित नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको जो है इस योजना के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे। झिरनिया क्षेत्र में कितने किसानों को कर्जा माफ़ हुआ है? देखिए, पूरे ज़िले में प्रथम चरण और द्वितीय चरण मिलाकर के 1,05,000 से अधिक किसानों का जो है लगभग 680 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ़ करने का काम जो है हमारी सरकार ने करा है। और अगर मैं सिर्फ झिरनिया तहसील की बात करूँ तो झिरनिया तहसील में लगभग 12,000 से अधिक किसानों का लगभग 81 करोड़ रुपए से अधिक का जो है ऋण माफ़ करने का काम किया। भिकनगांव, ये झिरनिया का कार्यक्रम है या भिकनगांव विकास का? पूरे विधानसभा की बात करें, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सबसे पहला नंबर सैलाना और सेकंड नंबर पे विधानसभा भिकनगांव है। वो करीब 17,000 से अधिक किसानों की ऋण माफ़ी, 108 करोड़ रुपया इतनी माफ़ हुआ है। और ये अभी सेकंड चरण में भी दोनों तहसीलों की बात करें तो करोड़ों में ही है। यहाँ जैसे
3300 से अधिक किसान झिड़निया के हैं जिनके सेकंड चरण में माफ़ हुआ। और वैसे हमारे भिकन गांव में तो पूरे 5800 किसान थे टोटल, सारे बैंकों के और सोसाइटियों के मिला के। तो कुल मिला के हमारे विधानसभा में किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। और मुआवजे की भी बात करें तो झिड़निया में हमारा 20 करोड़ रुपया और भीकन गांव में 101 करोड़ रुपया, इतना किसानों का सीधा खातों में 25% अभी गया है, बाकी का भी जाने वाला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे और हमारे आज मंत्री द्वय यहाँ पहुँचे थे, तो निश्चित ही हमारे किसानों के हितों में जो काम हो रहे हैं आने वाले दिनों में भी जनकल्याणकारी जितने किसानों की है उनसे सीधा हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा ही। आपने मंत्री जी के सामने कुछ मांगे भी रखी है? बिल्कुल रखी है। ये 2 सालों से हमारे झिड़निया क्षेत्र के किसान मिर्ची का उत्पादन बहुत अच्छा ले रहे, स्ट्रॉबेरी भी का भी उत्पादन हो रहा है, तो मिर्ची उत्पादन तो ले रहे हैं किंतु यहाँ से बेड़िया तक ले जाने में उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। तो मैंने उनसे मांग करी कि ये मंडी जो है इसको स्वतंत्र रूप से स्टार्ट करवाएं, इसका अच्छा से संचालन हो और यहाँ मिर्ची भी खरीदी जाए, मिर्ची मंडी की भी मांग करी है ताकि किसानों को इतनी दूर ले जाने और लाने में जो परेशानी आती वो दूर हो जाएगी। उसी तरह से मैंने उनसे मांग करी है कुछ रोड, 10-12 ऐसे रोड हैं जो प्रधानमंत्री रोड में भी शामिल नहीं, उनके क्राइटेरिया में नहीं आती है, उन रोडों की मांग करी जिसमें किसानों को भारी तकलीफ उठाना पड़ती है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि इन रोडों को मंडी निधि से हम लोग जरूर इसका निर्माण करवाएंगे। चुनाव कि भैया सीधे साधे आदिवासी एरिया है, अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो क्षेत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। जिले को भी नंबर 1 बनाने की बात करी दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि जिले के मतदाताओं ने हमें मध्य प्रदेश में इतना बड़ा बहुमत हमारे जिले को मिला है कि 6 की 6 सीटें हमारी कांग्रेस की आई हैं, तो इनकी अपेक्षा है, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरना है। और हमारा दोनों का दो पीढ़ियों का वास्ता है, हमारे पिताश्री लोगों ने सचिन के, मेरे पिताजी ने जो इस जिले के लिए जो योगदान किया, जो काम किया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें खुशी होगी और हमारे जिले के लोग भी इसको अच्छे रूप में देखेंगे और मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है। दीदी, पवित्र नगरी कहने को केवल मंडलेश्वर और महेश्वर, हाँ। लेकिन वहाँ शराब दुकानें, शराब काफ़ी मात्रा में बिक रही है, किराना दुकान होगी, होटल हो, उस पर प्रतिबंध किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, कल साहब से मैंने बात की है, मेरे संज्ञान में भी आया है, कर रहे हैं इसको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।